सो गाइज, फर्स्ट ऑफ ऑल आप सभी को बोलना चाहता हूँ, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा एक ऑप्शन आता है थैंक्स का, तो वहां पे जाके आप हमारे चैनल को सपोर्ट कर सकते हैं एंड प्यार दिखा सकते हैं। तो वहां पे जाओ, सपोर्ट करो एंड वहां जाके डोनेशंस आप कर सकते हो इस चैनल को। अगर आपको ये वीडियोज या प्रोडक्शन अच्छा लगता है तो आप अप्रिशिएट कर सकते हो हमें उस चीज़। थैंक्स पे जाके आप अपने यूपीआई या किसी से भी ट्रांजेक्शन कर सकते हो, तो वो आप सभी, आप पे ऐसा फोर्स नहीं है, अपनी इच्छा से आप कर सकते हो। अगर आपको ये अच्छा लगता है, आप सपोर्ट करना चाहते हो हमें, तो बाकी आप वीडियो को इन्जॉय करो। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। तो आवाज़ थोड़ी सी बैठी हुई लग रही है क्योंकि यार थोड़ी तबीयत ढीली ढीली सी है, बट कोई दिक्कत नहीं है। तो आज हम जाने वाले बस की टिकट बुक करवाने हैं, ठीक है? तो कहाँ जा रहे हैं तो मतलब पता लग जाएगा आप लोगों को, ऐसा कुछ नहीं है। तो अप्रोक्स 4 या 5 6 साल, 5 6 साल के बाद मैं 5 6 साल के बाद जाके मैं मतलब बस में ट्रैवल करने वाला हूँ, क्योंकि इतने टाइम से मैं बस में मतलब गया ही नहीं हूँ। तो देखेंगे यार एक्सपीरियंस कैसा लगे इतने टाइम के बाद। क्योंकि देखो सीन ऐसा है, क्योंकि मेरा घर अपने बाजार के ना पास ही है, तो अगर मैं पैदल जाता हूँ तो 5 मिनट पहुँच जाता हूँ, वरना गाड़ी बाइक में जाता हूँ। पैदल जाऊँ तो शाम को पापा ड्यूटी से आते तो उनके साथ ही आ जाता हूँ, तो बस में जाने की जरूरत ही नहीं पड़ती है। तो बाकी अब देखेंगे हम कि कैसा एक्सपीरियंस रहने वाला है बस में। तो अभी ऐसा करने वाले हम, बाजार जाने वाले, पंकु भी मुझे मिलने वाला है एंड सर बस की टिकट भी बुक कराने वाले। तो जाने वाले मैं, पंकु एंड रिक्की जाने वाले, पंकु के वो रिलेटिव में है, तो हम 3 जाने वाले हैं। तो कहाँ जाने वाले हैं वो भी आपको ब्लॉग में पता लग ही जाएगा। तो हम जाने वाले सुबह की, ऐसा है कि सुबह बस शायद 5:30 या 5 बजे के तड़के सुबह, तो बहुत सारा सीन है। तो अब ऐसा करते, देखो मैं तैयार तो हो गया हूँ, तो शाम को हमने ऐसा करना है पंकु के भाई के पास ही हमने रहने जाना है, क्योंकि वहाँ से नियर पड़ता है, घूमता है ना तो पास पड़ेगा। ओ शिट, लाइट भी गई, तो पता नहीं, आई डोंट नो, लाइट पिछले कल से जा रही है, क्या दिक्कत है। तो बाकी अब ऐसा करते हैं, बाहर की तरफ निकलते हैं एंड चलते हैं आज। आज हम जाने वाले अभी गाड़ी में ना, हम नीचे तलोगी तक ही जाएंगे गाड़ी में, तो बाकी क्योंकि मेरी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं है तो इसलिए हम जाएंगे। बाकी पंकु बाइक में आएगा, तो अगर पास ही में कहीं जाना हो तो बाइक में जा सकते हैं। तो बाकी अभी देखते हैं, टिकट वगैरह बुक करवाएंगे एंड दिन में क्या होने वाला है, एंड इसी को मैं कंबाइन करूंगा कल जाते टाइम तक के लिए। तो इसमें क्या करने जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, वो सारी चीज़ें आपको पता लगेगा इसी वीडियो में, मतलब पहुँचने तक, ठीक है? बाकी उसके बाद भी कहीं हमने जाना है तो उसका ब्लॉग भी आपको मिलते रहेंगे, ऐसे कोई दिक्कत की बात ही नहीं है। तो ऐसा करते हैं, फटाफट से अब निकलते हैं यहाँ से गाड़ी लेके अपनी। बाकी गाइस तुम यहाँ देखो मौसम कितना प्यारा है भाई, बर्फ भी पड़ गई है। तो करते हैं कुछ प्लान, जाते हैं मनाली की तरफ, वहां के ब्लॉग भी आप लोगों को जरूर दिखाऊंगा, बट फिलहाल करते हैं गाड़ी चलाने पे कॉन्सेंट्रेट एंड उसके बाद फटाफट से निकलते हैं जहां हमने जाना है। तो गाइस एक दो दिन इतनी बारिश थी ना, तो अब जाके यहाँ तो धूप निकली इतनी अच्छी, तुम देख सकते हो यार कितना ज्यादा प्यारा लुक आ रहा है, मतलब एक नंबर आ रहा है। तो ऐसा करते हैं अब फटाफट से चलते हैं एंड देखते हैं भाई, बहुत सारी बिल्डिंग्स भी यहाँ देखो तुम बन गई है, मतलब काफी बिल्डिंग्स बना दी लोगों ने। तो बाकी अब देखते हैं आगे क्या करने वाले हैं एंड ये तो बस फटाफट से चलते हैं जहाँ हमने जाना है। तो कहाँ जा रहा हूँ तुम्हें पता है, पंकु से मिलने जा रहा हूँ, तो लेट्स सी। तो गाइस फाइनली पंकु आ गया यहाँ पे, तो अभी हम माहौल पे पहुँच गए, तो यहाँ पे से थोड़ा सा काम है एंड उसके बाद उसका जाना टिकट बुक कराने हैं, टिकट बुक कराने टिकट बुक करवाने जाना है इसके बाद, तो उसके बाद टिकट पता लगेगा मेरे को आना है कि नहीं आना। रिक्की रिक्की भी आएगा थोड़ी देर में, उसका दरअसल पेपर है, तो उस पेपर के बाद वो आएगा, बाकी सीन सेट है। अभी चलते हैं फटाफट इसका काम करते हैं एंड उसके बाद टिकट का करते हैं इंतजाम। सो गाइज मैं अभी आ गया हूँ वापस, तो टिकट वगैरह भी हमने बुक करवा दी है एंड तो आप लोग पूछ रहे होंगे यार कहाँ की टिकट बुक करवाई है, तो टिकट हमने बुक करवाई है पालमपुर की, ठीक है? मतलब बैजनाथ की कराई है, तो पंचरुखी करके कोई जगह है वहां पे, वहां हम जा रहे हैं, वहां पे कुछ हमें काम है, वो काम क्या है वो आपको लग ही जाएगा पता। सो गाइस फाइनली अपना घर का सारा काम निपटा के अब हमने हेलमेट शेलमेट लगा दी है, तो अब चलते हैं फटाफट बाइक पे, क्योंकि रिक्की हमारा नीचे वेट कर रहा है, पंखो भी है नहीं, अरे लाइट को क्या हो गया। तो अभी चलते हैं फटाफट से, ठंड बहुत हो गई यार, ये अंधेरा क्यों हो रहा है पता नहीं, बार बार एक्सपोजर ही नहीं आ रहा बारा, ठीक तो लेट्स गो। सो गाइस अभी वहाँ से रिक्की आ गया है, तो पंकु का वेट कर रहे हैं हम अभी आने का, तो अभी हम वेट हाईवे पे है अभी NH पे, तो वेट कर रहे हैं उसका आने का। बाकी अब सुबह कितने बजे की, 5 बजे का, 5 बजे की, 5 बजे हम जा रहे हैं पालमपुर, क्यों जा रहे हैं वो आपको पता लगेगा क्यों जा रहे हैं, बाकी 5 बजे की, 5:30 है ना, मतलब तो ऐसे 5:30 है ना, मतलब 5:30 पर 5 बजे निकलना पड़ेगा अभी रोड को। बाकी सीन अब ऐसा है कि पंकु आ रहा है, पता नहीं कहाँ से आ रहा है, बड़ा टाइम लगा रहा है, वो गाड़ी है किसी की खड़ी, उसकी लाइट मार रहे हैं अपने चेहरे पे, बाकी दिख तो कुछ रहा नहीं है। तो बाकी अब मिलते हैं हम रूम जाके, अब रिकी के रूम मिलेगा अब, है ना रिकी?
तो गाइस फाइनली पंकु भी यहाँ पे आ गया है। सो अभी हम जा रहे हैं घर। सो गाइस अभी हम पहुंच गए हैं भुंतर बस स्टैंड। तो टाइम हुआ अभी 4:30 बजे हुए हैं, तो बस का वेट करें, 5 बजे आनी ना बस। तो हाँ जी भाई, तो 5 बजे बस आएगी, तो अभी वेट कर रहे हैं बस का, फिर देखते हैं अब सफर कैसा होगा हमारा बस का इतने टाइम के बाद। पंकु कितने टाइम के बाद करा बस में सफर? बहुत टाइम बात कर रहे हैं, तो देखते हैं क्या सिस्टम बनता है। अभी वेट कर रहे हैं यहाँ पे, सुबह की ताज़ी हवा खा के बैठे हैं, होगी देखते हैं बाकी बस में बैठ के करते हैं बात। गाइस बस की यहाँ पे हमारा शुरू हो गया ट्रैवल, टिकट हमने ले लिया है, तो टिकट पूरी बुकिंग के साथ आया, अभी हमारी शुरू हो गया, अभी पहुँच गए शाड़ा भाई, पहुँच गया इतनी जल्दी, अभी देखते हैं बंदे तो बड़ा चढ़ते हैं इसमें ना, तब देखते हैं कैसे तबियत रहती है एंड कैसा सफर निकलता हम लोगों का। आगे मंडी में एंड अभी पहुंचे, टाइम कितना होगा, 7:14 हो गए, 7:30 पे निकलेगी यहाँ से बस हमारी आगे को, 7:30 को जाना है एंड। बाकी और मैं अभी हमने परांठा वगैरह बनाया, दही वगैरह मंगाई है, इसने चाय मंगाई थी, तो किस काम के लिए जा रहे हैं आपको थोड़ी देर में पता लग ही जाएगा बैजनाथ पहुँच के। बाकी ऐसा करते हैं दही वगैरह आ रही है हमारी, तो आगे फटाफट से खाते हैं एंड बस में भी जाते हैं, दही दिखाता हूँ। सो गाइस अभी हम परांठे वगैरह खा के निकल गए हैं, तो फिलहाल का ये स्टेटस है कि भाई खाना खा के थोड़ा सा सर और पेट की तरफ ठीक हुआ है, बट अभी बाथरूम वगैरह करते हैं एंड अपने बस पकड़ते हैं फटाफट से एंड टाइमली निकल जाते हैं यहाँ से एंड बैजनाथ की तरफ चलते हैं। अब तो सीधे चलेगी बस नॉन स्टॉप, तो फिलहाल ठीक लग रहा है तबियत, तो मिलते हैं बस में बैठ के। अब तो गाइस अभी हम आ गए बैजनाथ, पहुंच गए हैं, तो बस यहाँ से पंचरूपी जाना हमें, तो पंचरूपी का हम वेट कर रहे हैं, गाड़ी वूड़ी हमें मिल जाए कोई, बस तो काफ़ी टाइम बाद आ रही है, बाकी देखते हैं सीन। अभी एक तो बस में इतना टाइम बाद है, प्रॉब्लम बड़ी भारी हो रही है, हमें पता ही नहीं चल रहा है, फिर मैं तो पहली बार आया हूँ पालमपुर की तरफ, तो लेट्स सी क्या बनता है, देखते हैं अभी कौन सी गाड़ी आती है। तो गाइस काफ़ी मेहनत के बाद, मतलब कम से कम आधा एक घंटा मेहनत करने के बाद, पैसा फसाई के बाद मार को फाइनली बस मिल गई पंचरुकी। सो फाइनली हम पहुंच गए पंचरुकी, बैजनाथ से वहाँ कुछ बस करनी पड़ी दूसरी, और पंचरुकी तो हम आए इसलिए कि भाई क्योंकि हमारे रिकी जी गाड़ी ले रहे हैं, गाड़ी ले रहे हैं रिकी भाई, कौन सी गाड़ी ले रहे हैं वो आपको लग ही जाएगा पता भी, आगे देखिए भाई रिकी भाई नॉट टियागो, तो इसलिए इतनी दूर आए हैं। रोहित ने मैंने अपडेट कर दिया, इसका दिमाग बोल गया ही अबे अपनी थोड़ी इच्छा हमने माइंड डाइवर्ट नहीं किया भाई, रिकी तेरी खुद पसंद है और इस बजट में मतलब बंदे को इससे बेटर गाड़ी मिली हम तो एरियर ले रहे थे भाई, सब कुछ ज्यादा नहीं हो गया मतलब कुछ भी। सो गाइस फाइनली अब हम आ गए यहाँ पे, क्या हो गया, आके गाड़ी लेके, ये है ब्राउन रंग की टाटा टियागो XZ मॉडल है, तो बहुत अच्छा मतलब कंडीशन अच्छी है। तो बाकी सीन ऐसा है कि अभी हम निकल रहे हैं, तो बाकी अभी ऐसे करते हैं हम सोच रहे हैं अपना चंडीगढ़ जाएंगे, क्योंकि चंडीगढ़ थोड़ा बहुत काम कराना है, मोटिवेशन वगैरह कराएंगे, तो अभी हम चंडीगढ़ की तरफ निकल रहे हैं सीधे, तो अभी चंडीगढ़ के ब्लॉग भी आने वाले हैं, तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी, अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब कर दो जाके एंड कमेंट भी कर देना प्यारे से जाके। तो बाकी अभी ऐसा करते हैं फटाफट से चंडीगढ़ जाता हूँ, और अभी आने वाले अच्छे अच्छे ब्लॉग चंडीगढ़ में बताऊंगा तुम्हें क्या कहाँ कहाँ गए एंड क्या किया, ठीक है, तो बाय बाय।